नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। सोमवार को इस योजना का ऐलान हुआ कि सैनिक अब अग्निवीर कहे जाएंगे, लेकिन मंगलवार दोपहर तक भावी अग्निवीर आग बबूला हो गए। सड़कों पर उतरने के बजाय इन आग बबूला वीरों को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रिटायर्ड अंकिलों से पूछना चाहिए था कि क्या वे 4 साल के लिए सेना में भर्ती होना चाहेंगे, क्या वे इस देश के युवाओं के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसी तरह के सपने देख रहे थे। चार साल के लिए भर्ती होगी, फिर जिन लोगों की भर्ती होगी उनमें से 75% जवान 4 साल के बाद सेना से निकाल दिए जाएंगे, 25% ही सेना में रहेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज युवाओं ने आज कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। बिहार में रेल रोकी गई है, यूपी के मुजफ्फरनगर में भी प्रदर्शन हुए हैं, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक में नाराजगी जाहिर की गई है। पिछले हफ्ते नियम बदलकर सेना से रिटायर हो चुके अफसरों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का बंदोबस्त किया गया। अब इस हफ्ते नियम आया है कि 4 साल में ही जवानों को बोरिया बिस्तर समेत सेना से रिटायर कर देना है। आशंका है कि निकाले जाने के बाद गांव-गांव में इन अग्निवीरों को निष्कासित वीर कहा जाने लगेगा, यानी ऐसा वीर जिसे सेना ने निकाल दिया है। कमाल की बात है कि कमाल की इस योजना के बारे में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह नई योजना का बचाव तक नहीं कर पाए। जनरल वीके सिंह, जो कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, कहते हैं कि पहले जमीन पर उतर जाए तब पता चलेगा कि योजना में क्या है क्या नहीं। कोई भी नई चीज़ आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो ज़मीन पर नहीं आती। तो जनरल रह चुके हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक ज़मीन पर नहीं आती, मेरे को, मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता, क्या चीज़ नहीं होती। क्या वाकई केंद्रीय मंत्री और जनरल वीके सिंह को इस योजना के बारे में कुछ पता नहीं? फ्रांस, इजराइल और जर्मनी की सेना से यह मॉडल आया है तो इसकी जानकारी होगी। सेना का इतना लंबा अनुभव रहा है, कम से कम 2-3 फायदे बता देते। ऐसा क्यों है कि अग्निपथ नामक इस योजना में युवाओं को अग्नि ही अग्नि नजर आ रही है, पथ का पता नहीं चल पा रहा है।